और की एक तमिल ड्रामा फिल्म है। फिल्म में राणा दग्गुबाती, विष्णु विशाल, पुलकित सम्राट, श्रेया पिलगांवकर और जोया हुसैन दिखाई देने वाली हैं। और ये फिल्म 26 मार्च को रिलीज हो रही है और फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज होने वाली है। और फिल्म को हिंदी भाषा में हाथी मेरे साथी नाम से रिलीज करने वाले हैं। क्रेजी ह्यूमंस है। नंबर 24 मनाडू और की एक तमिल पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में सिलम राजन, कल्याणी प्रियदर्शन और एस जे सूर्या दिखाई देने वाले हैं। राइटर और डायरेक्टर है वेंकट प्रभु, जो कि चेन्नई 6000 28, बिरयानी और माँ जैसे हिट फिल्में बना चुके हैं। और इस फिल्म को हिंदी में रिवाइंड नाम से रिलीज करने वाले हैं। और ये फिल्म भी 2021 में ही आने वाली है। नंबर 23 AA21 और ये एक एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म में स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन दिखाई देने वाले हैं। और राइटर और डायरेक्टर है शिवा कोरटाला, जो कि फैमिली एंटरटेनर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि जनता गैराज, भारत अनी नैनू और मिर्ची जैसी फिल्में बना चुके हैं। रिसेंटली उनके आचार्य फिल्म रिलीज होने वाली है चिरंजीवी और रामचरण के साथ। और ये फिल्म 14 मई को रिलीज होगी और ये फिल्म समर 2022 में रिलीज होने वाली है। नंबर 22 गोकुल राज नेक्स्ट। पृथ्वीराज के हर फिल्म से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है और इस फिल्म से भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मुझे भी। और फिल्म एक मलयालम पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पृथ्वीराज एक वॉरियर का रोल प्ले करने वाले हैं, एक योद्धा का। डायरेक्टर है न्यू कॉमर गोकुल राज भास्कर। और ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम भाषा में एक साथ रिलीज होने वाली है। और ये इंडिया की फर्स्ट फिल्म है जिसकी कंप्लीट शूटिंग वर्चुअल प्रोडक्शन में होने वाली है। नंबर 21 कब्जा और ये फिल्म 8+ भाषाओं में रिलीज होने वाली है ऑल ओवर इंडिया। फिल्म एक कन्नड़ा एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में उपेंद्रा, किच्चा, सुदीप, नयन तारा, जैकी श्रॉफ, कबीर दुहान सिंह, प्रकाश राज और बूमन ईरानी दिखाई देने वाले हैं। और ये फिल्म 2021 में रिलीज होगी। फिल्म में हम सबको माफिया वर्ल्ड की कहानी दिखाई जाएगी। और फिल्म की कहानी शुरू होगी 1947 में और फिल्म की कहानी एंड होगी 1984 में। नंबर 20 पावर पेटा और ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में नितिन और कीर्ति सुरेश प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाली हैं। और फिल्म में हम सबको नितिन का 3 डिफरेंट लुक दिखाई देगा। और फिल्म का बजट 90 करोड़ प्लस बताया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर है कृष्णा चैतन्या, जो कि राउडी फेलो और चल मोहन रंगा जैसी फिल्में बना चुके हैं। और ये फिल्म 2022 तक ही रिलीज हो सकती है, क्योंकि नितिन की 3 फिल्म 2021 में आ जाएगी। चेक, जो कि रिलीज हो चुकी है, रंग दे, जो कि 26 मार्च को आ रही है, अंधाधुन तेलुगु रीमेक, जो कि 11 जून को रिलीज होने वाली है। नंबर 90 प्लेस पे प्रिया दर्शन की मैग्नम ओपस फिल्म मराकर द लायन ऑफ द रेवन से। फिल्म एक मलयालम हिस्टोरिकल एक्शन वॉर फिल्म है और मलयालम इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट अवॉर्डेड फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, कीर्ति सुरेश, अर्जुन सारजा, सुनील शेट्टी, प्रभु, मंजू वॉरियर और सिद्दीकी साहब दिखाई देंगे। और ये फिल्म 13 मई को फाइनली रिलीज हो रही है। और ये फिल्म 4 फिल्म से क्लैश करिए, बॉलीवुड की 2 फिल्म राधे और SMJ2 और टॉलीवुड की 2 फिल्म आचार्य और नारप्पा फिल्म से। और ये फिल्म 13 मई को रिलीज होने वाली है। क्या आप लोग फिल्म देखने वाले हो? लिखकर बताओ यार, लिखो। नंबर 80 लाइकर और ये एक रोमांटिक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है। फिल्म में विजय देवरकोंडा, स्ट्रगलिंग एक्टर अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन और रोनी द्रोवी इस फिल्म में दिखाई देंगे। डायरेक्टर है पूरी जगन्नाथ। और ये फिल्म 9 सितंबर को 2021 में मंगलवार के दिन रिलीज हो रही है और इसके एक दिन बाद भूत पुलिस रिलीज होगी 10 सितंबर को। और ये फिल्म की शूटिंग तेलुगु और हिंदी में एक साथ हुई है और ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। नंबर 70 मिन्नल मुरली और ये एक मलयालम सुपर हीरो फिल्म है। फिल्म में टोविनो थॉमस और सोमा सुंदरम दिखाई देंगे। डायरेक्टर है बैसल जोसेफ, जो कि गोदा और कुंजी रामायणम जैसे अंडररेटेड और सक्सेसफुल फिल्म बना चुके हैं। और ये फिल्म को हिंदी में मिस्टर मुरली के नाम से रिलीज करेंगे। नंबर 16 इंडियन 2 और इस फिल्म में कमल हसन का कैरेक्टर करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देने वाला है। और ये कॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट फिल्म है। फिल्म का बजट 200 करोड़ प्लस है और फिल्म एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में कमल हसन सर, रकुल प्रीत सिंह, सिद्धार्थ, काजल अग्रवाल, बॉबी सिम्हा और प्रिया शंकर दिखाई देंगी। डायरेक्टर है शंकर और ये फिल्म 2021 में रिलीज होने वाली है फाइनली। नंबर 15 विक्रांत रोना और ये कन्नड़ा एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में किच्चा सुदीप, नीता अशोक और नीरू भंडारी दिखाई देंगे। डायरेक्टर, राइटर और स्क्रीन प्ले तक अनूप भंडारी ने लिखा है, जो कि रंगी तारंगा जैसे क्रिटिकल अक्लेम फिल्म बना चुके हैं। और ये फिल्म के मेकर्स ने प्लानिंग किया है कि फिल्म 50+ कंट्रीज में रिलीज करेंगे और 11 भाषाओं में रिलीज होगी। और फिल्म 3D वर्जन में रिलीज होने वाली है। बहुत ज़्यादा सही, मजा आने वाला यार, नाचो। Makuma, bata, kuma, 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 bata, kuma, 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 bata, kuma, 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 bata, kuma.
नंबर 40 राधेश्याम और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े दिखाई देने वाली है और ये फिल्म 13 जुलाई को रिलीज हो रही है और ये फिल्म आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई और वरुण तेज की फिल्म घानी फिल्म से क्लैश करी है और ये इंडिया की सबसे महंगी रोमांटिक फिल्म है। फिल्म का बजट 250 करोड़ है और फिल्म की शूटिंग हिंदी और तेलुगु में एक साथ हुई है। सच्ची सच्ची नंबर 30 वाली में और ये हॉलीवुड की वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है। फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में अजीत कुमार, उमा कुरैशी, कार्तिकेय गुमाकोंडा दिखाई देंगे। राइटर और डायरेक्टर हैं एच विनोद, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म बना चुके हैं और ये फिल्म अगस्त 2021 को टारगेट कर रही है। प्रोड्यूसर है बोनी कपूर, जो कि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज़ करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और फिल्म में हम सबको बाइक राइड सीक्वेंस, चेस सीक्वेंस दिखाई देने वाला है, तो मज़ेदार मज़ा आएगा। नंबर 12 वीडी 30 और ये फिल्म एक्शन नहीं तो रोमांटिक फिल्म हो सकती है। फिल्म में विजय देवरकोंडा ही दिखाई देने वाले हैं और डायरेक्टर है टॉप नॉच डायरेक्टर सुकुमार और ये फिल्म भी एक पेन इंडिया फिल्म है। फिल्म की शूटिंग 2022 तक शुरू हो जाएगी और ये फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली है। नंबर 11 पे अदवी सेज की मोस्ट अवेटेड फिल्म मेजर। अदवी सेज के अलावा इस फिल्म में सुविता, सिया मांजरेकर, प्रकाश राज और रेवती भी दिखाई देने वाली हैं और फिल्म 2 जुलाई को रिलीज होगी। कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फिल्म के राइटर और फिल्म की स्क्रीन प्ले अदवी सेज ने लिखी है, तो बहुत ही सही है। डायरेक्टर शशि किरण टिक्का है, जो कि गोदाचरी याद ही नहीं कितनी तगड़ी फिल्म थी, टॉप रेटेड लिस्ट में भी इंक्लूड है। और प्रोड्यूसर है महेश बाबू सर और ये फिल्म की शूटिंग तेलुगु और हिंदी में एक साथ हुई है और फिल्म में हम सबको मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी दिखाई जाएगी, जो कि 26/11 अटैक में शहीद हुए थे। नंबर 10 प्लेस पे मड़ी और इंडिया की फर्स्ट मड रेसिंग फिल्म है। फिल्म एक रिवेंज एक्शन थ्रिलर एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर, राइटर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले तक प्रबल दास ने लिखा है और कोई अपनी फर्स्ट फिल्म से इतना तगड़ा, इतना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है यार। और ये फिल्म समर 2021 में रिलीज होने वाली है और फिल्म को म्यूजिक और BGM वन एंड ओनली रवि बसरू ने दिया है। नंबर 9 NTR नेक्स्ट और ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। फिल्म में NTR प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाले हैं। डायरेक्टर मोस्ट वांटेड डायरेक्टर प्रशांत नील सर और ये फिल्म 2022 के एंडिंग में रिलीज होगी और ये ऑफिशियली कंफर्म है और ये फिल्म एक पेन इंडिया फिल्म है, ऑफिशियली कंफर्म है, देख सकते हो। वेले NTR गारु ఎప్పుడు సినిమా NTR గారితో ఉంటుందండి ప్రశాంత్ నీల్ గారు సలార్ అయిన తో నెక్స్ట్ NTR గారు ప్రశాంత్ నీల్ గారు నెంబర్ 8 పొనియన్ సెల్వన్ ఆర్ ఇస్ ఫిల్మ్ కా బడ్జెట్ 500 కరోడ్ ప్లస్ హోనే వాలా హై బాప్ రే ఆర్ కల్కి కృష్ణమూర్తి నే ఏక్ నోవెల్ లిఖా థా 1955 మే ఉసీ కా అడాప్టేషన్ హోనే వాలా హై పొనియన్ సెల్వన్ కే నామ్ సే ఆర్ యే ఏక్ హిస్టోరికల్ డ్రామా ఫిల్మ్ హై ఫిల్మ్ మే అమితాబ్ బచ్చన్ సర్ విక్రమ్ కార్తీ జయమ్ రవి ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి త్రిసా ఆర్ కై పాపులర్ ఫేసెస్ ఫిల్మ్ కా పార్ట్ హోంగే డైరెక్టర్ హై మణి రత్నం జో కి ఇస్ ఫిల్మ్ కో అప్నా డ్రీమ్ ఫిల్మ్ కహతే హై జో కి 25 से भी ज़्यादा फिल्म दे चुके हैं एज अ डायरेक्टर गुरु दिल से और बहुत ही अच्छी अच्छी और ये फिल्म भी 2022 में रिलीज़ होगी। फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ करने के लिए मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 7 रामचरण अनटाइटल मूवी और ये रामचरण और शंकर सर की बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है। फिल्म में हम सबको रामचरण और कियारा एडवानी मे भी दिखाई दे सकती हैं। राइटर प्लस डायरेक्टर है शंकर सर, जो कि रोबोट, शिवाजी द बॉस, आई और 2.0 जैसी बड़ी फिल्म बना चुके हैं। फिल्म 2022 के मौके पर रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग 3D फॉर्मेट में होने वाली है और शंकर सर की लास्ट फिल्म 2.0 3D वर्जन में ही शूटिंग हुई थी और ये फिल्म भी हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज होने वाली है और फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा विशाल होने वाला है। नंबर 6 सूर्यपुत्र, महावीर, कर्ण और कोबरा। सूर्यपुत्र फिल्म हम सबको कितना ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है आप सभी को मालूम है। फिल्म एक बहुत ही बड़ी पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में विक्रम सर दिखाई दे सकते हैं। डायरेक्टर और राइटर VS विमल, जो कि एक मलयालम डायरेक्टर हैं और ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी फिल्म होगी। फिल्म को 2022 तक रिलीज करने वाले हैं। कोबरा फिल्म का बस हिंदी ऑडियंस में कितना ज़्यादा है सभी को मालूम है। इस फिल्म में विक्रम सर एक नहीं, दो नहीं, 7 कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और ये हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म है। फिल्म एक साइकोलॉजिकल एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में विक्रम सर, श्री निधि शेट्टी और इरफान पठान दिखाई देने वाले हैं और ये फिल्म भी 2021 में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज होने वाली है। नंबर 5 सलार लीडर और ये फिल्म एक कन्नड़ा एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में प्रभास और श्रुति हसन दिखाई देने वाली हैं। राइटर और डायरेक्टर है प्रशांत नील। लव यू सर इतनी अच्छी अच्छी फिल्म ला रहे हो आप और ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 में रिलीज हो रही है। फिल्म को म्यूजिक और BGM दिए हैं रवि वसरूर। सिनेमाटोग्राफर है भुवन गावड़ा। तो आप लोग समझ के चलो फिल्म को KGF के मेकर्स ने बनाया है और फिल्म का बजट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। फिल्म एक पेन इंडिया फिल्म है और फिल्म में प्रभास का कैरेक्टर बहुत ही डार्क और बहुत ही इंटेंस है।
नंबर फोर पे है पुष्पा और ये फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन बॉलीवुड से अटैक, टॉलीवुड से पुष्पा, कॉलीवुड से वाली में मे बी और मॉलीवुड से अरातू स्टारिंग मोहनलाल सर। और ये फिल्म अल्लू अर्जुन की फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म है और फिल्म में हम सबको रश्मिका मंदाना भी दिखाई देने वाली है। नंबर थ्री हरी हर वीरा मल्लू और ये फिल्म एक तेलुगु एपिक पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में पवन कल्याण सर, निधि अग्रवाल, अर्जुन रामपाल दिखाई देंगे। डायरेक्टर है क्रिस जो कि गब्बर इज बैक अक्षय कुमार के साथ और वेदम अल्लू अर्जुन के साथ ये फिल्में बना चुके हैं और ये फिल्म संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म का जाकर टीजर देखो, बीजीएम सुनो, पवन कल्याण का लुक देखो, पगला जाओगे यार, पगला जाओगे, लिख कर ले लो, पगला जाओगे, जाओ देखो। प्लेस पे एसएस राजामौली की मैग्नम ओपस फिल्म ट्रिपल आर और ये एसएस राजामौली की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। बजट के मामले में अगर ये फिल्म तगड़ी कलेक्शन करती है तो एसएस राजामौली की सबसे बड़ी फिल्म होगी और ये फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म को 5 दिन की बहुत ही शानदार ओपनिंग मिलने वाली है। तो आपके हिसाब से ये फिल्म 1000 करोड़ का रिकॉर्ड पार कर पाएगी पूरे वर्जन में? फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में रिलीज हो रही है तो आपके हिसाब से यस और नो करके बताओ यार, बताओ। वो वन प्लेस पे अब तक की सबसे खतरनाक फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 और ये फिल्म में हम सबको एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ बवाल मिलने वाला है। और ये कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म का बजट है 100 करोड़ प्लस और आपके हिसाब से, जी हाँ आपके हिसाब से फिल्म हिंदी वर्जन में कितनी कलेक्शन करने वाली है? फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा? मेरे हिसाब से 250 करोड़ प्लस, आपके हिसाब से लिखो। और फिल्म पहले दिन फिल्म का ओपनिंग रिकॉर्ड कितना होगा? मेरे हिसाब से 40 से लेकर 45 करोड़ के बीच में, आपके हिसाब से लिखो। और ये फिल्म 16 जुलाई 2021 के दिन रिलीज होने वाली है और इस दिन बवाल मचने वाला है। तो मुझे यकीन है आप लोग वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो या लाइक करना आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज़ लाइक करो। और ये रहा लिस्ट, सॉरी कमेंट सेक्शन में मैंने कंप्लीट लिस्ट पिन कर दिया है और बहुत सारी फिल्में जो कि मैंने छोड़ दिया है तो प्लीज़ जाके उसको देखो। और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में जिसको मैंने ऐड ही नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ कमेंट सेक्शन में, नाम लिखो आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो और लिस्ट जाके देख लो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप लोग, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।